रेखा से बचने का उपाय क्या है? देखो जैसे मैंने पहले बताया कि यह बीमारी बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है, ठीक है। अगर यह एक बार आई गई तो उसको इलाज करने में काफी समय लग जाए, ठीक है। बचाव एकमात्र अपन टीकाकरण का द्वारा एक बचाव कर सकें, ताकि अपन टीका लगे देगा तो क्या बीमारी वहां तक आना की नहीं। टीकाकरण कर देगा मैं काय का ये लगे? देखो टीकाकरण में मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक के लिए एक अलग प्रकार का टीका आवाज जो ये बीमारी का नाम से आवाज है ना, तो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग प्रकार का टीका बनावा। पर खास एक ही खासियत यह है कि टीका का नहीं ठंडाई मतलब तापमान बहुत कम होनी चाहिए, कम तापमान पर रखना पड़े, 4 से 7 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़े। तो आप जब भी कहीं टीकाकरण करने जाओ तो वो जो टीका का या तो बर्फ का पानी में रखने ले जाना पड़े। जो थर्मस आए और एक अंदर हमने नहीं बर्फ रखे ले, तो बर्फ रखना से कहिए कि एक अंदर हम टीको रखें बर्फ के अंदर, तो एक कि जो अंदर तापमान है वो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस रहे। हाँ ये टीको है जो रक्षा विभाग नाम से आवाज जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी ने बनाया जगह, तो ये ताज में रहनी चाहिए। अगर गर्म तापमान पर रखे तो टीको खराब ही सके, अच्छा। यह सावधानी बहुत जरूरी है, और साथ में ये सीरिंज है जो टीकाकरण में उपयोग होती है, और ये डिस्पोजेबल नीडल है जो अपन टीकाकरण में यूज करते हैं और फिर बाद में इसको फेंक देते हैं। ये भी चाहिए? हाँ भैया, जैसे तुमने बताया 4 से 7 डिग्री, तो एक ऊपर ज्यादा नहीं रख सकता? नहीं, ज्यादा रखेंगे तो टीका खराब ही सके, खराब। हाँ ये मतलब ये अगर एक बार सामान्य तापमान पर आएगा तो फिर ये खराब ही सके, कारण वो ना तापमान का अंदर लगाना जरूरी है। उत्तर रहना चाहिए? हाँ 4 से 7 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए।